हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम कॉस्ट्स आर टैरिफ, सम कॉस्ट्स आर टैरिफ, सम टैरिफ्स आर फीस, सम कॉस्ट आर टैरिफ, सम टैरिफ्स आर फीस। तो यहाँ पे मैं तीन सर्कल बनाता हूँ। पहली स्टेटमेंट है सम कोर्ट्स आर टैरिफ, तो कोर्ट्स और टैरिफ का सर्कल बनाता हूँ, आपस में उनको ओवरलैप करता हूँ। जैसे सी मतलब कोर्ट्स, टी टैरिफ और एफ मतलब फीस। सम कोर्ट्स आर टैरिफ, तो जो कोर्ट्स का है सर्कल टैरिफ के सर्कल के साथ ओवरलैप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़े से कोर्ट्स क्या है, टैरिफ है। सम वर्ड यूज़ किया होगा थोड़े से। सम टैरिफ आर फीस, जो थोड़े से टैरिफ है वो फीस है। तो जो टैरिफ का सर्कल था, एक फीस का सर्कल इस हिसाब से बनाता हूँ कि वो दोनों आपस में ओवरलैप हो जाए, क्योंकि जो थोड़े से टैरिफ है वो क्या है, फीस है, ठीक है। सर्कल सही से बन के तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कंक्लूजन क्या है, जहाँ पर हमारी कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम कॉस्ट आर फीस, जो थोड़ी सी कॉस्ट है वो फीस है। तो कोस्ट का सर्कल हमने इधर बनाया था, फीस का इधर बनाया था। इन्होंने पहले हमें स्टेटमेंट में बोला था जो थोड़ी सी कोस्ट है वो टैरिफ है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बोला था कि वो फीस है। फीस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बोला, बोल सकते कि ये है, कन्फर्म है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सम कोस्ट और फीस, इन्होंने कोस्ट और फीस का आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया हमें स्टेटमेंट में, लेकिन इनका जो कंक्लूजन है सम कॉस्ट आर फीस, के थोड़ी सी कॉस्ट है वो फीस है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि वो है, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फर्मली यही बोल रहे हैं कि वो थोड़ी सी कॉस्ट वो फीस है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें स्टेटमेंट में इस दोनों का आपस में रिलेशन बताया ही नहीं, ठीक है। कॉस्ट का सर्कल देख सकते हो इस साइड है, फीस का इस साइड है, तो ये दोनों टी को टैरिफ को ओवरलैप कर रहे हैं। ये हो सकता है आपस में मिक्स भी कर जाएंगे, हो सकता है ये एफ का जो ओवरलैपिंग ये ज़्यादा हो या टी का थोड़ा ज़्यादा हो, आपस में ओवरलैप भी कर जाएंगे, लेकिन ये करेगा ही ओवरलैपिंग, ये हमें इन्होंने नहीं बताया स्टेटमेंट में, लेकिन ये कंक्लूजन में यही बात बोल रहे हैं कि ये आपस में भी ओवरलैप कर रहे हैं सम कोर्स आर फीसेस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पे आल कोस्ट आर फीस, जो सभी कोस्ट है वो फीस है, तो ये भी गलत हो जाता है। देख सकते हो कोस्ट का सर्कल इधर है, फीस का इधर है, आपस में तो वो ओवरलैप हो ही नहीं रहे, थोड़े से कोस्ट तो टैरिफ हो गए, सभी कोस्ट फीस कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाती है। उम्मीद है समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन।